यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बात करते हैं नूह की, जिसे भारत के सबसे पिछड़ी जगहों में गिना जाता है। सुना बहुत है, जाना बहुत है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखिए आखिर क्यों है नूह के ऐसे हालात। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि आखिर क्यों इस क्षेत्र के ऐसे हालात हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं नूह के फिरोजपुर झिरका का वो अस्पताल जो महज 4 कमरों में लाखों की जनसंख्या का बोझ डो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नूह के फिरोजपुर झिरका का सरकारी अस्पताल, जहां पर रोजाना कोई 100-200 नहीं बल्कि 400 से 500 तक के लोग आते हैं अपने इलाज के लिए। लेकिन यहां आकर इन्हें एक सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग नहीं बल्कि 4 कमरे मिलते हैं, जहां पर अब महिला प्रसूति केंद्र भी बन चुका है। और तो और, इस अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी तो रहती है, इसके अलावा इमरजेंसी की सुविधा भी यहां नहीं मिल पाती। लेकिन असुविधा का आलम यही नहीं थमता, बल्कि खुद ही सुनिए यहां मरीजों को किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। छोटी बिल्डिंग में बड़ी बन जाए तो हमें सुविधा, अभी हम परेशानी ना हम बैठना को ना उठना को तो आ जाते, हम इस बाहर भगा एक आध चक साथ रहे हादसा का मुसीबत भी आ जाए न मर्द मोटर डेटन दे ना वैसे डेटन दे जी की ना हम तो बस कहा जब ते हम लौटे भी बैठे थे ये दिक्कत है कि मोटी है यहाँ ना तो बैठने की सुविधा है ना यहाँ पे डॉक्टर है पेशेंट कितने आते हैं जी डॉक्टर बहुत कम है यहाँ है ही नहीं डिलीवरी नहीं होती टाइम पे यहाँ से रेफर कर देते हैं मंडी खड़ा जाओ फलाने जगह जाओ यहाँ कुछ है तो है नहीं ऐसे ये कबाड़ा पड़ा हुआ है किसी जगह बैठने को जगह नहीं है कुर्सी नहीं है कहीं पे भी कुर्सी नहीं है बाइक खड़ी करने को जगह नहीं है कोई सुविधा ही नहीं है इतनी बड़ी सुविधा नहीं है जी परेशानी होती है यहाँ भीड़ लगी हुई है तकरीबन आध घंटे यहाँ खड़े हो गए मुझे तो बहुत परेशान भुगतनी पड़ती थी अभी उधर गए हम मालूम नहीं था यहाँ हाँ तो वहाँ से फिर यहाँ आए परेशान होके नहीं और बाइक खड़ी करने के लिए यहाँ जगह भी नहीं वहाँ काफ़ी जगह ही सुविधा ही अच्छी सुविधा ही यहाँ कोई सुविधा ना है। लोग तो परेशान है ही लेकिन जानिए क्या कह रहे हैं अस्पताल के स्टाफ के रूप में काम करने वाले। हालांकि स्टाफ खुद ही इन असुविधाओं से परेशान है। जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो रूटीन की सर्विसेज सभी मिलती है 300-400 मरीज डेली यहाँ पर हमारे आते हैं और जो डिलीवरी सर्विसेज बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ दी जा रही है हमारे हमने जो कि जो पुराना जो सरकारी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की सारी कंडम घोषित हो चुकी है यहाँ पर नया भवन बनना है वो सारी प्रोसेस हमने की हुई है सरकार को लिखा हुआ है वो जब तक नया भवन नहीं बनेगा उससे उस तब तक हमने कमेटी की पुरानी बिल्डिंग ली थी उसको रेनोवेट करवा के उसमें हमने ओपीडी सर्विसेज एंड डिलीवरी सर्विसेज जच्चा बच्चा के अंदर ये बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मरीजों को तो परेशानी जो हो रही है वो तो हो रही है लेकिन स्टाफों के लिए भी बैठने की यहाँ पर सुविधा नहीं है जिसकी वजह से सुविधा ना होने की वजह से स्टाफ आधे से ज़्यादा तो टाइम से पहले निकल जाता है आधे से ज़्यादा जो इधर उधर घूमते रहता है टाइम पास करते हैं फिर कल को कोई अगर चेकिंग के लिए आ जाते हैं कोई हमारे साहब ऊपर से तो फिर ये देखने को मिलता है कि भाई स्टाफ यहाँ पे बैठता नहीं है जिसकी वजह से हमारी नौकरी खराब होने के चांस है। कितने गांव तो काफ़ी कम है जी पर जितनी भी है हम उसी हिसाब से सही काम कर रहे हैं बाकी जगह की कमी है जी जल्दी डिस्चार्ज करना पड़ता है फिर मरीज को भी 6 घंटे बाद वो मरीज घर चला जाता है तो उसकी सेटअप पर दूसरा पेशेंट को लेटा दिया जाता है। स्टाफ तो पूरा हमारे पास है डिलीवरी का स्टाफ पूरा है लेकिन डिलीवरी के लिए स्पेस कम है हाँ महिलाओं को खून की कमी है असल में वो खून चेक नहीं होता जैसे हमारे पास लैब टेक्नीशियन नहीं है। देखो इसमें जिस तरह से आप आज आए हैं इसकी विजिट करने आप भी इसके हालात देख रहे हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग का हालात जर्जर हुए पड़े हैं ना यहाँ कोई सुविधा है डॉक्टरों की भी कई बार इसके लेटर भी लिखे गए हैं। फिरोजपुर झिरका के आसपास के गांव और फिरोजपुर झिरका की आबादी को लेकर देखें तो इसके तकरीबन 1 लाख की आबादी के करीब ये हॉस्पिटल को मतलब उसके अंडर में आती है लेकिन फिर भी यहाँ इतनी कोई सुविधाएँ नहीं है बिल्डिंग जर्जर पड़ी है डॉक्टर नहीं है कई बार हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी लिखा लेकिन अब तक उस पर कोई सुनाई नहीं हुई। आपको बता दें साल भर पहले यहाँ के अस्पताल की बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया गया था इसलिए यहाँ से इस परिसर को खाली कराकर अस्पताल को पुरानी नगरपालिका के 4 कमरों में चलाया जा रहा है। इसके बाद से ही ये अस्पताल 4 कमरों में चल रहा है और जनता को आस है कि कब उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं
पूर्ण तरीके से मिलेगी। खबरें अभी तक के लिए कासिम खान की रिपोर्ट। तो ये वो रिपोर्ट है जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के नाम पर होने वाले दावों की पोल खोल कर रख देती है। और इसी पर हमारे संवाददाता कासिम खान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। कासिम खान, चार कमरे और लाखों के हिसाब से जनसंख्या, कैसे चल रहा है वहां पर काम? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नूहू जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा के अंतर्गत ये जो CHC भवन है, ये पिछले कई सालों से लगातार कंडम था। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर इलाज कर रहे थे, लेकिन एक साल पहले जब इसके गिरने के कगार पर ये बिल्डिंग पहुंच गई तो उन्होंने खाली करके चार कमरे नगर पालिका के किराए पर लेने पड़े, जिनमें इन दिनों अस्पताल चल रहा है। तकरीबन 80-90 जो गांव हैं फिरोजपुर झिरका खंड के, उनका कार्यभार या स्वास्थ्य की जिम्मेवारी इसी अस्पताल पर है। अगर डिलीवरी के मामले को छोड़ दिया जाए तो बाकी टाट पट्टी तक ये अस्पताल सीमित है, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो रेफर करने में ही मरीजों को अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि इलाज के लिए ना तो उनके पास जगह है, ना दवाइयां हैं और ना पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री भले ही मेवात में और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा कर रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। और मेवात की हकीकत स्वास्थ्य मंत्री की कम से कम आंखें खोलने का काम कर रही है कि यहाँ पर सामान्य अस्पताल हो, PHC हो, CHC हो, सब सेंटर हो, सभी में हालात बद से बदतर है। तो कहीं ना कहीं ये जो अस्पताल है, यहाँ पर चार कमरे हैं और मरीजों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। एक साल हो चुका है, क्या सरकार को वो चार कमरे दिखाई नहीं देते या फिर मरीजों की हालात नहीं दिखती? देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है कि कई करीब 1.5 दशक से ये बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर थी, और उसके अलावा अब एक साल से किराए पर चार कमरे लिए हुए हैं। इस दौरान भी स्वास्थ्य विभाग टेंडर प्रक्रिया या भवन प्रक्रिया बनाने का काम शुरू नहीं कर पाया, ये बड़ी विडंबना है। ये सबको सुनाई दे रहा था, सबको दिखाई दे रहा था। यहाँ के लोग लगातार जिला प्रशासन से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब तक इस मांग को मजबूती से उठाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में सोता रहा, और आज तक भी इस इलाके के लोगों को अस्पताल का भवन नहीं मिल रहा है। अगर बात हम करें शिकरावा में और सूड़ाका में, अच्छे भवन PHC के बनाए गए हैं, लेकिन वो डॉक्टर के लिए तरस रहे हैं। जहाँ जरूरत होती है वहाँ सरकार भवन नहीं बनाती है, और जहाँ जरूरत नहीं होती है वहाँ पर भवन बना दिए जाते हैं, तो उनमें पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और अन्य स्टाफ मुहैया नहीं कराया जाता है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो मेवात में राम भरोसे हैं, और भ्रष्टाचार की जड़ें मेवात के स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से फैली हुई है। यहाँ के तत्कालीन सिविल सर्जन श्रीराम शिवाज तक को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद उन्हें सस्पेंड किया था भ्रष्टाचार के चलते। तो लगातार यहाँ नियुक्तियों में गड़बड़ झाले की शिकायतें आती रहती हैं। नॉट कमाने में ज्यादा यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भरोसा करते हैं स्वास्थ्य विभाग के, और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर उनका कोई ध्यान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता भिवानी से। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य महकमा, उसकी क्या कुछ हालात है? बिल्कुल, अगर भिवानी की बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवा यहाँ भी कहीं की लाचार दिखाई देती है। एम्बुलेंस सेवाएं बदहाल है। इसके अलावा बात की जाए वार्डों में भी सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिस तरह से यहाँ पर गंदगी का आलम पसरा हुआ है, चाहे वार्डों की बात की जाए, एम्बुलेंस रूम की बात की जाए, या फिर दूसरे पुलिस चौकी स्थल की बात की जाए, कंट्रोल रूम की बात करें, TB वार्ड की बात करें, OPD के साथ लगते जो जहाँ पर वाटर कूलर लगाए गए वहां पर भी गंदगी का आलम देखा जा सकता है। यानी भिवानी का सामान्य अस्पताल असामान्य सा होता जा रहा है, यह ऐसा कहना कतई गलत नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।